हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपको भी अपने इंस्टाग्राम आईडी में इंस्टाग्राम गिफ्ट फीचर रील्स के अंदर मिल गया है और आप उससे जो है सेटअप करना चाहते हैं, उसको इनेबल करना चाहते हैं, तो कैसे दोस्तों आप उसको सेटअप कर सकते हैं, उसके पे आउट अकाउंट को बना सकते हैं ताकि आप जो है इंस्टाग्राम रील्स गिफ्ट के अंदर से जो है अर्निंग कर पाए, पैसे कमा पाए। जैसे कि आप अगर साइड में स्क्रीनशॉट देख सकते हैं कि मुझे जो है गिफ्ट का फीचर मिल भी चुका है और मैं इसका दोस्तों जो है पे आउट अकाउंट भी बना चुका हूँ। आप अगर मेरे रील्स में भी जाओगे तो आपको सेंड गिफ्ट का ऑप्शन मिलेगा और इजीली आप जो है चाहे तो गिफ्ट दे सकते हैं। हालांकि दोस्तों बहुत कम लोग जो है आपको गिफ्ट के अंदर जो है पैसे देंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको ये फीचर मिला है तो इसको इनेबल करना जरूरी है ताकि आपको दोस्तों फ्यूचर में अगर जो है इंस्टाग्राम जब मोनेटाइज होगा रील्स के अंदर तो भाई आप जो है पैसे कमा पाओगे। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ बारी बारी से फुल प्रोसेस करके मैं अपने खुद के आईडी का कैसे आपको करना है ताकि आपका जो है 100% जो है सक्सेसफुली आपका जो है पे आउट अकाउंट बन जाए, आपका जो गिफ्ट फीचर है वो फुल्ली इनेबल हो जाए। तो वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए चलते हम लोग अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। दोस्तों अभी आ गए हम लोग अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको अपना इंस्टाग्राम ऐप को ओपन करके अपने प्रोफाइल के अंदर आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ऑप्शन शो करेगा, आपको इस पर सिंपल क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको ये वाला पेज आ जाएगा। स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे योर टूल्स का ऑप्शन मिलेगा और उसी में दोस्तों आपको एक फीचर मिलेगा गिफ्ट का। अगर आपको नहीं मिला है बहुत जल्द मिल जाएगा। सिंपल आपको करना कुछ नहीं है, इस गिफ्ट वाले फीचर पे क्लिक करना है। जैसे गिफ्ट पे क्लिक करोगे तो आपका स्टेटस यहाँ पे एलिजिबल होना चाहिए। अगर इनएलिजिबल है तो आपने इंस्टाग्राम का कोई रूल ब्रेक किए होंगे इसलिए आपको इनएलिजिबल शो करता होगा। उसका दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम जो है यहाँ पे गिफ्ट का ऑप्शन मिलता है, उसके नीचे आपको जो है मैनेज की जगह अलाउ वाला ऑप्शन जो है इसको इनेबल करना है। उसके बाद स्टार्ट अर्निंग ऑन गिफ्ट पे क्लिक करोगे तो ये वाला पेज आ जाएगा जिसमें आपको काफी सारे बातें बताई गई है कि भाई आप जो कैसे रील से यहाँ पे गिफ्ट के द्वारा पैसा कमा सकते हैं। बेसिकली होता है क्या दोस्तों, कोई भी बंदा आपको जो चाहे तो यहाँ पे गिफ्ट के थ्रू जो पैसे दे सकता है जो कि बहुत कम देता है, बट आपको ये चीज सेटअप कर लेना है। ठीक है, आपको सिंपल दोस्तों नीचे आ जाना है, जो लास्ट में कंटिन्यू है आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे इन सबको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इस पर जैसे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे लीगल जो है फर्स्ट नेम, आपका जो लीगल नाम है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है आधार पैन कार्ड, उसके हिसाब से आपको फर्स्ट नाम और आपको यहाँ पे लास्ट नाम या फिर जो भी सरनेम है वो आपको दे देना है। ठीक है, उसका दोस्तों डेट ऑफ बर्थ और आपको यहाँ पे अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं इन तीनों चीज़ों को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। कंट्री में आपका कंट्री होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ आपको सही से कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना, नेक्स्ट करना है। जैसे आप ये चीज़ करने के बाद नेक्स्ट करोगे, थोड़ी देर वेट करोगे तो ये वाला पेज आ जाएगा। आपको यहाँ पे जो है आपका जो इंडिया आ जाएगा, उसका जो है बिजनेस टाइप पे आपको क्लिक करना है यहाँ पे। ठीक है, और आपको यहाँ पे फर्स्ट वाला इंडिविजुअल और जो है आपको लिखा जाएगा सोल प्रोवाइड जो है ट्रैक करके कुछ लिखा है। ठीक है, आपको यहाँ पे इंडिविजुअल यानी फर्स्ट वाले पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा तो आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। जैसे आप ये चीज सेलेक्ट करने के बाद, जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट करोगे थोड़ी देर वेट करना है और आपको ये पर इस प्रकार का फिर से शो करेगा। तो आपको प्राइमरी एड्रेस में दोस्तों आपके जो आधार कार्ड में एड्रेस है सेम टू सेम आपको यहाँ पे चिपका देना है और टाउन सिटी में आपको अपना जो जिला है या फिर अपने जो शहर का नाम है उस दे देना है। कंट्री रीजन में आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लोगे, पोस्ट कोड में आपका जो पिन नंबर है पोस्टल कोड आधार कार्ड में मिल जाएगा वो देना है आपको यहाँ पे। प्राइमरी जो यहाँ पे फोन नंबर के अंदर अपना फोन नंबर देना है, ईमेल एड्रेस की जगह आपको कोई भी अपना एक ईमेल आईडी दे देना है। उसका दोस्तों परमानेंट अकाउंट नंबर के अंदर अपना पैन कार्ड नंबर जो है पैन नंबर वो दे देना है और आपको यहाँ पर सिंपल टिक करके दोस्तों नेक्स्ट करना होगा। तो चलिए मैं सारा इन्फॉर्मेशन पहले फिलअप कर लेता हूँ, आपको भी सही से फिलअप कर लेना है और आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं पहले भर लेता हूँ फिर मैं आपको आगे की जो है प्रोसेस बताता हूँ। तो दोस्तों जैसे ये चीज़ हम फिलअप कर लेंगे, नीचे आपका जो नेक्स्ट का बटन है वो यहाँ पे आपको जो है ब्लू कलर में आ जाएगा। सिंपल क्लिक करोगे, थोड़ी देर वेट करोगे तो ये वाला पेज आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बोला जाएगा कि किस प्रकार से आप अपना पेमेंट लेना चाहते हैं, तो बैंक ट्रांसफर, वायर ट्रांसफर और आपको पेपल अकाउंट के द्वारा। तो भाई मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो बैंक ट्रांसफर है फर्स्ट वाला आप उस पर टिक कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें जैसे आपको $25 आपके आईडी में बनेंगे तुरंत वो पैसा आपका बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अगर वायर ट्रांसफर करेंगे तो आपको $100 का जो है वेट करना पड़ेगा तब होगा। ठीक है, तो सिंपल दोस्तों मेरा माने तो आप फर्स्ट वाले पर टिक कर दीजिएगा, बाकी आप दूसरे तीसरे के साथ भी जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बैंक ट्रांसफर के सामने टिक कर दूंगा, उसके बाद थोड़ी देर वेट करना है, हमारे सामने ये वाला पेज आ जाएगा। अभी यहाँ पे अपना बैंक डिटेल्स आपको देना है। सबसे पहले दोस्तों आपका जो है बैंक कंट्री ऑटोमेटिकली आ जाएगा और बैंक जो करेंसी वो भी आ जाएगा। आपको अपना लीगल जो है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, मिडिल नेम अगर नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, फर्स्ट और लास्ट दे दीजिएगा अगर आपका दो नाम है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे IFSC कोड आपको दे देना है, IFSC कोड जो भी आपके बैंक अकाउंट का है। उसके बाद उसके नीचे बैंक अकाउंट नंबर भी आपको देना है, ये चीज़ आपको सही से पहले फिलअप कर लेना है। बेसिकली आपको अपना जो बैंक का डिटेल्स है नॉर्मली वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। ये फिलअप करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे लिंक पे जो है
पे आउट मेथड का ऑप्शन आएगा नीचे, सिंपल आप इस पर क्लिक करके दोस्तों इसको लिंक करोगे, ठीक है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे दोस्तों इस पर क्लिक करोगे उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ी देर लोडिंग लेगा, और यहाँ पे दोस्तों लोडिंग लेने के बाद ये आ जाएगा एड योर टैक्स इन्फो। आपको सिंपल करना है कुछ नहीं, नीचे एड जो है टैक्स इन्फो पे क्लिक करना है। थोड़ी देर वेट करोगे यहाँ पे आपको व्हाइट स्क्रीन प्रॉब्लम आ सकता है, तो आपको घबराना नहीं है। उसके बाद दोस्तों ये वाला आ जाएगा अलाउ टू इंस्टाग्राम यूज कुकीज एंड सिमिलर टेक्नोलॉजीज करके, आपको नीचे अलाउ पे क्लिक करना है। अगेन दोस्तों आपको फिर से अलाउ का ऑप्शन आएगा, तो आपको अलाउ पे क्लिक करना है। दो बार अलाउ का ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक कर दोगे। अब यहाँ पे थोड़ी देर व्हाइट स्क्रीन दिखेगा दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आपको जो ऑप्शन आएगा कि आप जो है सिटीजन है अमेरिका के, यूएस के सिटीजन, तो आपको नो नो क्या करना है सेलेक्ट करना। ऊपर में दोस्तों ऑटोमेटिकली फिलअप आएगा, आपको यहाँ पे दो जगह आपको ऑप्शन देगा यस नो का और आई एम नॉट श्योर करके, तो भाई यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करना है, क्योंकि हम लोग यूएस में ना ही रहते हैं, ना ही शादी की है, ना कुछ भी किया, ठीक है। यहाँ पे दूसरे वाले में भी आपको नो ही करना है, दोनों में नो कर देना है, और आपको सिंपल नेक्स्ट पे फिर से क्लिक करना है। अब जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे इस प्रकार का आएगा, फर्स्ट में आपका फुल नेम आ जाएगा, उसके बाद व्हाट नेम आई शूट करके रहेगा, उसी के नीचे दोस्तों आपको रहेगा कंट्री करके, और आपको सेलेक्ट वन करके आएगा। तो इस पर क्लिक करके आपको अपना कंट्री फिर से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो सभी कंट्री यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो हमारे कंट्री है वो हमको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे इंडिया है तो हम लोग इंडिया करेंगे, बाकी अदर वाले अदर कंट्री कर लेना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो है टिक ऑलरेडी आएगा फर्स्ट वाला, तो टिक कर देना है, और आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है, ठीक है, फर्स्ट वाला। उसके बाद दोस्तों ये वाला पेज आ जाएगा, फिर से आपको अपना एड्रेस के बारे में बोला जाएगा, कुछ फिलअप रहेगा, कुछ आपको भरना पड़ेगा, और आपको नेक्स्ट करना है। उसके बाद दोस्तों ये वाला पेज आ जाएगा, आपको सिंपल यहाँ पे जो है नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपको दोस्तों यहाँ पे दो जगह आएगा, यहाँ पे 0% का एक ऑप्शन रहेगा, सिंपल इस पर क्या करना है 0% पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों ये वाला पेज आ जाएगा, आपको स्क्रॉल डाउन करना है, थोड़ा नीचे आना है, ठीक है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका सब कुछ फिलअप हो जाएगा, कुछ इसमें खास करने की जरूरत नहीं होता है। अब दोस्तों नीचे आपको एक जगह सिग्नेचर रहेगा, टाइप योर फुल नेम करके, तो आपको अपना जो नाम है वो कैपिटल लेटर्स में यहाँ पे आपको टाइप करना है। उससे पहले आपको ऊपर में आई जो है क्लियरफाई करके जो है उसमें टिक कर देना है, और आपको अपना नाम यहाँ पे सिग्नेचर की जगह जैसा आपका नाम है रियल में वो यहाँ पे दे दीजिएगा, और आपको सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ये चीज करेंगे उसके बाद आपको थोड़ी देर वेट करना है, और आपको दोस्तों यहाँ पे जो है W8WN करके जो ये फॉर्म है टैक्स इन्फॉर्मेशन वो बन जाएगा। यहाँ पे आप अपना सारा डिटेल्स को ध्यान से देख सकते हैं, मैंने कुछ ब्लर कर दिया, बाकी सब कुछ दिख रहा है। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको सबमिट फॉर्म पे क्लिक करना है, अगर आपका सब कुछ सही है, ठीक है। अगर कुछ चेंज करना है तो मेक चेंज पे नीचे क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग सबमिट फॉर्म पे क्लिक करेंगे, उसके बाद वेट करना है थोड़ी देर। आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है व्हाइट स्क्रीन का, बट आपको घबराना नहीं। उसके बाद दोस्तों ये वाला आ जाएगा जिसमें आपको क्लियरली बताएगा कि आपका टोटली चीज जो है सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको करना है क्या है, स्क्रॉल करके नीचे जाना है और आपको डन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप डन पे क्लिक कर दोगे तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो है सारा चीज लगभग क्लियर हो जाएगा, इस तरीके से आएगा, और आपको यहाँ पे योर जो कैन नाउ अर्न मनी फॉर्म गिफ्ट का आ जाएगा। आपको सिंपल डन कर देना है और आपका जो यहाँ पे अकाउंट सेटअप हो जाएगा। अब दोस्तों कोई भी आपको अगर गिफ्ट भेजेगा वो आपके डॉलर के रूप में एड होंगे। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, यस वीडियो को लाइक कर देना। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।